ओके देन कम्स द फिजिकल लैंडस्केप्स एंड द ह्यूमन बींग्स. ठीक है, फिजिकल लैंडस्केप्स का मतलब है कि व्हेन यू लुक एट एन एरिया, तो आपको जो भी वहाँ पे जिस भी तरह की जो भी आपको फीचर्स नजर आएंगे उस लैंड के, उनको आप क्या बोलते हो, लैंडस्केप. ठीक है, लाइक आपको हिल नजर आते हैं, हिल्स नजर आती हैं, माउंटेन्स नजर आते हैं, रॉक्स नजर आते हैं, प्लेन एरिया है, ग्रास लैंड है, ये सारे क्या हैं, लैंडस्केप्स हैं. ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ इज अबाउट 7 बिलियन बट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द एरियाज ऑफ वर्ल्ड. देर आर सम एरियाज दैट आर वेरी थिनली पॉपुलेटेड एंड देन देर आर सम एरियाज दैट आर ओवर पॉपुलेटेड. ठीक है, सो वाई सम एरियाज आर ओवर पॉपुलेटेड एंड सम आर नॉट, द रीजन बिहाइंड इट इज द फिजिकल लैंडस्केप्स ऑफ द अर्थ ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट इवन. पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन है. ठीक है, और ये हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. लाइक अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या फिर अमेरिका, इन सब की पॉपुलेशन एक जैसी है. ठीक है, ऐसा नहीं है. कुछ एरियाज में जो है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें बहुत कम पॉपुलेशन है, कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड एरियाज हैं वो. ठीक है, और इनके पीछे जो रीज़न है वो क्या है कि जो लैंडस्केप है, ठीक है, उस एरिया की, दैट इज़ अ मेजर रीज़न बिहाइंड दिस. ठीक है, अच्छा, सम प्लेसेस आर कवर्ड विद माउंटेन्स एंड अदर्स आर प्लेन फील्ड. सिंस द वेरी बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन रेस पीपल हैव प्रेफर्ड लिविंग इन प्लेन एरियाज नियर रिवर्स बिकॉज दीज एरियाज आर मोर फर्टाइल एंड कैन प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स. ठीक है, अच्छा, कुछ एरियाज क्या हैं जो के माउंटेनियस एरियाज हैं सारे, और बाकी क्या हैं, प्लेन फील्ड्स हैं. ठीक है, और जब स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस हैं, जब उनकी रेस शुरू हुई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने प्रेफर किया था कि वो किसी ऐसे एरिया में जाके रहें जो कि प्लेन एरिया हो. ठीक है, क्योंकि वो एरिया बहुत फर्टाइल होते हैं और वो अपने इजीली जो है वो क्रॉप्स वगैरह वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, और वहाँ पे उनका जो लिविंग लाइफस्टाइल है वो बहुत ही इजी होगा. ठीक है, क्योंकि माउंटेन्स में रहना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. ऑन द अदर हैंड हिली एरियाज आर नॉट मच सुटेबल फॉर द एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. दे आर ऑल्सो मोर एक्सपोज टू अर्थक्वेक्स. डिफरेंट लैंडस्केप्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर. एरियाज ऑफ हाई आल्टीट्यूड्स हैव लो टेम्परेचर एंड द एरियाज ऑफ द लो आल्टीट्यूड हैव हाई टेम्परेचर. रशिया इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ लैंडस्केप्स इफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट. ठीक है, इसके अगर ऑपोजिट साइड पर आप देखो तो जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे वो ना तो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वो सूटेबल होते हैं, उसके साथ साथ जो अर्थक्वेक का जो वहाँ पे रिस्क होता है वो भी हाई है. ठीक है, और जो डिफरेंट जगह हैं उनका टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है. रशिया इज टेरिटोरियली द लार्जेस्ट कंट्री डिस्पाइट दैट इट्स पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन साउथ वेस्ट. द रीजन इज दैट ओनली दैट एरिया ऑफ रशिया इज कवर्ड विद प्लेन फील्ड्स. देयर आर सम प्लेन एरियाज दैट आर नॉट रिलेटिवली फर्टाइल. पीपल लिविंग ऑन सच लैंड अडॉप्ट नोमैडिक लाइफस्टाइल एंड कीप ऑन मूविंग टू ग्रास लैंड टू फीड देयर हर्ड्स ऑफ शीप्स. पीपल ऑफ मंगोलिया लिव नोमैडिक लाइफ. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि जो रशिया है एक बहुत ही लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि उसका एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बट जो उसकी पॉपुलेशन है वो साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है उसमें उसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो उसकी रीज़न क्या है कि सिर्फ जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है रशिया का, उसके अंदर प्लेन फील्ड्स हैं. ठीक है, तो वो एरिया जो है वो फर्टाइल है और वो वहाँ पे जो है वो लाइफ बहुत इजी है. तो लोग क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं टूवर्ड दैट पार्ट, अपने वहाँ पे जो है प्लेन एरियाज हैं, ग्रासी लैंड है. ठीक है, तो लोग जो है वो अपने हर्ड्स वगैरह को चराने के लिए वहाँ पे इजीली जो है लेके जा सकते हैं. तो लोग क्या कर रहे हैं, बाकी पार्ट्स, रशिया के बाकी पार्ट से मूव कर रहे हैं टूवर्ड द साउथ वेस्ट, और वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है. ठीक है, और बाकी जो एरिया है वो प्रोबेबली जो होगा माउंटेनियस या हिली एरियाज होंगे, तो वहाँ पे इतना इजी लाइफस्टाइल नहीं है, तो वहाँ पे जो है बहुत कम लोग जो है वहाँ पे जाके रहते हैं. ठीक है, तो इसका जो मेन आपको पॉइंट है समझाने का वो ये है कि वो एरियाज जहाँ पे
इजीली हम लोग रह सकते हैं, हमें सारी फैसिलिटीज इजीली मिल सकती हैं। प्लेन एरिया जिसमें आता है उसमें जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन है, और बाकी जो माउंटेनियस एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। ओके, देन कम्स वाटर एंड ह्यूमन बींग्स। वाटर इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लाइफ। लाइफ कैन नॉट सस्टेन वेयर देयर इज नो वाटर। 60% ऑफ द बॉडी वेट इज वाटर। It means that the human being need water supply to stay alive. All the food that we grow is also irrigated by water. The meat of different animals that we eat also need water to grow. For all these reasons, human civilization started near masses of water. Water is also essential for our external cleanliness. ठीक है, वाटर जो है वो जिंदा रहने के लिए सबसे मेन चीज है। ठीक है, हम पानी के बगैर बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकते। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी है उसमें भी 60% जो है वो वाटर है, जिसका मतलब ये है कि हम लोग बिल्कुल भी वाटर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इसके साथ जो भी फूड हम खाते हैं उनको भी पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। जो मीट हम लोग डिफरेंट एनिमल्स से लेते हैं उसको भी वाटर की जरूरत होती है। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जितनी भी थी वो उन्होंने अपनी जो जिंदगी है वो कहाँ से स्टार्ट की, वो कहाँ पे स्टार्टिंग में रहे, ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको वाटर जो है वो अवेलेबल था। ठीक है, लाइक क्योंकि वाटर जो है वो सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है, तो वो जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, वाटर मैसेज हैं, उनके करीब उन्होंने आबाद होना शुरू किया। फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स। फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड सक कार्बन डाइऑक्साइड। पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट वुड फॉर फायर। सम वुडन गुड्स आर फाउंड।